शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी खुद ही बता रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है और सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। अब इस बात में जितनी भी सच्चाई हो, ये थोड़ी देर में सीबीआई का बयान सामने आ ही जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है और सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया है, जिसके कि अब तो सबूत सामने आ गए हैं, आईफोन क्लाउड का डेटा सामने आ गया है, व्हाट्सअप की चैट सामने आ गई है जिसमें 1-1 करोड़ रुपए को 1-1 किलो घी कह के लेन देन किया जा रहा है, तो अगर उन दोनों ने चोरी की है, घोटाला किया है, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो किया नहीं होगा, केजरीवाल उसमें शामिल है। और यहाँ तक कि शराब घोटाले के कुछ आरोपियों ने ये भी कबूल कर लिया है कि उन्होंने पैसे का लेन देन केजरीवाल से फेस टाइम पे वीडियो कॉल करने के बाद विजय नायर को पैसे दिए हैं। तो जब इतनी बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, तो ये केवल एक समय की बात है कि केजरीवाल को कब बुलाया जाएगा और केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होगी। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से 1-1 करके आम आदमी पार्टी के घोटाले खुल रहे हैं, शराब घोटाला उनमें से केवल पहला घोटाला है और उसमें मनीष और सत्येंद्र दोनों न केवल सरकार की नीतियां बदलने के दोषी हैं, बल्कि हवाला के माध्यम से पैसों का लेन देन के भी दोषी हैं। और ये सारा लेन देन केजरीवाल की जानकारी में हुआ है, केजरीवाल के कहने पर हुआ है, केजरीवाल से वीडियो कॉल करने के बाद हुआ है। तो निश्चित है आज नहीं तो कल सीबीआई उन्हें बुलाएगी भी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा और जेल भी जाना पड़ेगा।